तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आर आर्मी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आर आर्मी होश में आओ, होश में आओ, आर आर्मी होश में आओ। बस हम लोग वही 30-40% स्टूडेंट बचे हुए हैं, जो बस हम एक ही मांगे कि वो जो बचे हुए 30-40% है उनका 100% कर दिया जाए। कितने दिनों से ये लंबित है? ये हमारे ये लगभग 2018 में वैकेंसी आई थी, वो 18 से पिछले अभी तक 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल से 2019 में हम लोग का मेडिकल वगैरह कम्प्लीट हो चुका था। अगस्त से सेप्टेम्बर के बीच हमारा मेडिकल भी मेडिकल में क्या बोलता है, पूरा शर्मसार करने वाला जो होता है इंसान का, वो हर तरह से बिल्कुल नंगा करके मेडिकल चेक किया गया। और अभी तक रिकॉर्ड है कि सरकार ने जिसको भी नंगा किया है रेलवे में उसको ज्वाइनिंग मिला है। आखिर हम लोगों को नंगा किया गया इतने स्टूडेंट को, तो क्या हम लोग नंगा सही से नहीं हुए थे? फिर से नंगा करवाना है तो करवा लीजिए फिर से, हम उसके लिए भी तैयार है। एक बार मेरा इज्जत जा ही चुका है, एक बार हम इसमें आ ही चुके हैं, तो वो भी करवा लीजिए दूसरी बार, उसके लिए भी हम तैयार है। लेकिन 100% क्लियर कर दीजिए, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों को बस यहाँ पे सारे साथी जमा हुए हैं कि ये जो हमारी बात पिछले 3 सालों से दब रही है, बस इसे हम सारे साथी लोग मिलके उठाने आए हैं। 14 तारीख से हम लोग यहाँ पे पटना RRB महेंद्र घाट के रेलवे बोर्ड ऑफिस में यहाँ पे आके धरना पे बैठे हुए हैं, और ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। और अंतिम बार सरकार बोल देगी कि नहीं लेंगे, तो यहीं पर देखिए गाछ है, इधर सब बांस है, ये RRB है, इसी के सामने हम लोग सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेंगे, और इसकी सामूहिक जिम्मेवारी RRB को होगी। कितने संख्या में आप लोग? हम लोग टोटल अभी तक वही 3,000 से 4,000 के बीच बचे हुए हैं। और आज हमारे साथ ये सिर्फ RRB महेंद्र पटना में ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी लगभग 6-7-8 राज्यों में हमारे साथी इस तरह से प्रोटेस्ट जारी किए हुए हैं। RRB Hospital.